गाइस हम सब रेडी हो गए अपने अपने डोंगे के साथ, दिखाते कितने जने हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाइस टोटल 11, 12 मेंबर्स हम सब। तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी। अगर आप भूल जाते हो रास्ता, आपको कहाँ जाना है, कौन सी जगह है अगर मैं घूमने के लिए, तो गाइस आगरा टूरिस्ट मैप इज हियर। यू कैन सी ईच एंड एवरी पॉइंट इन आगरा। आप कहाँ घूम सकते हो, कहाँ घूमना चाहिए, आपको सब कुछ दिखेगा इसमें। तो वीडियो को देखो और आगरा घूमने जाओ। आपको दिखाना चाहते हैं वो एक अद्भुत चीज जो सेवन वर्ल्ड्स ऑफ वंडर के अंदर आई जाती है, उसका नाम आप सब गैस करो, वो है हमारा हम सब उठ गए, अब जा रहे हैं लोग फ्रेश होने, एक बार वन करके जा रहे हैं। तो मैं तो फ्रेश हो गया, आप सबके सामने हूँ। एंड अभी इस वॉशरूम के अंदर आलोक है। आलोक टाइम कितना लगेगा? आलोक गाइस जब भी आप टूर में आते हो ऐसे बंदे हम बात लाना अपने साथ, जो बाथरूम घुस के भूल जाते हैं कि अंदर कौन है। देखिए गाइस बाइक कौन निकलता अंदर से, ये रे बंदे, इनको 10 बार कटवाया, 20 बार गेट कटाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। गाइस इस टाइम शख्स आपके ग्रुप में हो, गाइस टाइम लगाओ पर बोलो तो सही कि अंदर कौन है, बाहर कुछ भी हो जाए। आलोक ये देखो गाने लगा के कमरिया टॉप लागे रूप से धीरे धीरे अपना। गाइस बाहर निकलने से पहले आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपकी जेब में पैसे होने जरूरी है, इसलिए आलोक अपनी जमा पूंजी से पैसे निकाल रहा है, बड़ी मुश्किल से निकाल रहा है। पैसों की कीमत आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पर सुबह सुबह के निकाल रहे हैं। हमारे टीममेट भी सो रहे हैं, हम बाहर जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह मिलते हैं तो हमने खा पी के आते हैं, और कुछ बचेगा तो अपने टीममेट के लिए ले आएंगे। वी आर हैव अ यूनिटी। होटल से बाहर निकल गए हैं दोस्तों, अभी आप देख सकते हो अभी अंधेरा हो रहा है। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं एक बार चेक कर लिया जाए, आई थिंक सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सुबह के 6:30 बजे हम बाहर जा रहे हैं आगरा में। आई थिंक यहाँ रोशनी थोड़ी बहुत क्लियर हुई है आपको, अभी पूरा अंधेरा ही है। अभी हमको यहाँ की कोई रास्ता नहीं पता हम कहाँ से जाने वाले हैं, अपने तो बस घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं अच्छो की मॉर्निंग वॉक बहुत। गाइस सुबह सुबह आग तापने का मज़ा ही अलग है, यहाँ देखो हमारे आलोक मज़े ले रहे हैं सुबह सुबह आग तापने का। ब्रश करने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है गाइस, ब्रश करने का जुगाड़ नहीं है, हम ब्रश लाना भूल गए, देखते हैं दांतों ढूंढ रहे हैं, अगर नीम के नीम से तोड़ ले दांतों तो हो जाएगा बंदोबस्त। गाइस हम ऊपर जा रहे हैं नीम में, नीम के दांतों तोड़ने, ये भाई मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो रहा है हमारे साथ, ईंटों के ऊपर से आराम आराम से जाना है भाई। मिल गया फाइनली गाइस, हमें दांतों मिल गया अपना अपना, नीम से तोड़ लिया हमने, अब जाते हैं ब्रश करते हैं। तो गाइस ये ना इंडियन जुगाड़ है और बहुत सही वाली चीज़ है, हमें दांतों कभी नीम से ट्राई करना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे जो नॉर्मल जो टूथपेस्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सही रहता है। गाइस हमने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी टीम के लिए बहुत सारी चीज़ें ले ली, उनमें से एक है केले के साथ साथ फ्रेंड्स हमने ये भी सब भी लिया है, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर है ब्रेड, हमने 2 पैकेट ब्रेड्स लिए, मल्टी ब्रेड मल्टी विटामिन वाली, एंड उसके बाद कैचअप्स लिए हुए हैं, उसके बाद जैम लिए हुए, बहुत सारी चीज़ें ली हुई है। हम जा रहे हैं टीम मेट लिए ब्रेकफास्ट लेके जाने के लिए। फ्रेंड्स हम सीनियर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी टीम के लिए सबको रेडी करना, एंड चलते हैं रूम में फिर आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है। 9 बजे निकलते हैं गाइस, हमने ब्रेकफास्ट में एक दो चीज़ें और ऐड कर दी, उनमें से एक है सबसे पहले हमारा दूध, यहाँ हमें अमूल का दूध मिल गया, वहाँ पर हमें भैंस का दूध मिल रहा था, हमने प्रेफर करा अमूल का दूध पीना, कुछ सोरे सोने दो भाई। और उसके साथ साथ हमने लिया एक डिस्पोजल ग्लास जिसको हम पी के सर्व करेंगे एक दूसरे को। तो यही है ब्रो हमारे आज के ब्रेकफास्ट में, आपको लंच भी दिखाएंगे, अपने घूमने का ट्रिप भी दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है। गाइस हम जाने वाले ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी, आज का पूरा व्लॉग पूरा देखते रहिए, हमारे साथ मुकुल सर अभी जाने वाले ऑटो में, फिर ऑटो में आपको दिखाएंगे कैसे हमारा ट्रैवल होने वाला है।
यहाँ पर टिकट लेते हुए सारे के सारे टिकट दिखा दो सर, यहाँ दिखा दो। वो है हमारा ये वाला, यहाँ से हमने जस्ट एंट्री करी है एंड आपको ताजमहल दिखा देता हूँ। ताजमहल मेरे जस्ट पीछे, आपको शायद विजिबल होगा क्या नहीं होगा, मैं ट्राई करता हूँ। यस, आपको दिख रहा है ना राइट फ्रेंड, यही है ताजमहल। अब उसके अंदर जाएंगे, कैसे जाना अंदर, उसके सामने यहाँ पर ये गेट है, इस गेट से पास करेंगे उसके अंदर जाएंगे। आप भीड़ देख सकते हो हमारी, कितनी भीड़ है आगे पीछे आगे पीछे। यस, और ये हमारी टीम है, जो भी आपको दिल्ली के ऊपर वाले बंदे दिखेंगे ना, सब अपनी टीम के बंदे हैं। और यहाँ पर हमारी फोटोशूट चल रहा है, ये हमारे सर फोटोशूट के लिए रेडी हो गए व्लॉगिंग के साथ साथ, और ये दिल्ली की टीम सब हमारे बच्चे लोग हैं। सो हाय एवरीवन, फाइनली उस जगह पहुंच गए जहां पर आपको व्लॉग आप चाहते थे, उस व्लॉग में जहां तक आपको जाना है उस जगह हम पहुंच गए हैं। तो आपको दिखाना चाहते हैं वो एक अद्भुत चीज़ जो सेवन वर्ल्ड्स ऑफ वंडर के अंदर आई जाती है, उसका नाम आप सब गैस करो, वो है हमारा ताजमहल। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुँच गए अपने ताजमहल, आप देख सकते ये लोग दो कदम चलते हैं 10 फोटो लेते हैं, तो कैसे हो पाएगा हमसे बताइए कैसे। जब भी गाइस गवर्नमेंट ने बोला है आप जब भी ताजमहल आओ तो 3 घंटे ज्यादा स्टे नहीं कर सकते, ये इनके कारण ही बोला हुआ है, देख रहे हो इन टीमों के कारण। सो गाइस, हमने ताजमहल घूम लिया बिल्कुल मजे से यार, गाइस बहुत मजा आया। जब इधर आते हो ना, एक अलग सी फीलिंग का क्रेज आता है ना, लाइक आप इन कोई हिस्टोरिकल जगह आ रहे हो, कुछ अलग ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम जाने वाले हैं घर, उससे पहले थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ के फ्रेंड्स है, टीम वाले बंदे हैं, सब फोटो सेशन के लिए रेडी हो गए। पीछे गैदरिंग देख सकते हो, वो फोटो चेक कर रहे हैं कि फोटो कैसे आ रही है हम सब की। तो गाइस, जो आज का हमारा प्लान था यहाँ पर आने का, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया यार। हम ट्राई करेंगे इसके बाद अलग अलग जगह जाएंगे, जैसे कि हो सकता है मनाली, कुल्लू मनाली, व्हाटएवर थिंग्स। तो गाइस, बी रेडी फॉर अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डोंट सब्सक्राइब टिल नाउ। International and world guider with us, the name is Mukul Gupta from Delhi। ये देखिए, इधर आइए आप घूम के, इधर आइए, ये देखिए, ये शिलान्यास देख रहे हैं अभी सर बैठे हुए थे इसके ऊपर, ये सोच वही शौचालय, जहाँ नहीं है सोच वहाँ कहाँ शौचालय, ठीक है सर आप बैठ जाइए। गाइस, ताजमहल घूम लिया हम सब ने, थोड़े से यार भूख भूख लग रही, तो हम आए एक रेस्टोरेंट, यहाँ पर जाते हैं वहाँ खाना वाना बुक करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या होने वाला है। तो व्लॉग में बने रहिए गाइस, ये हमारा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर जाएंगे खाएंगे मजे करेंगे। अरे हमारे मुकेश ऑर्डर दे दिया, बस आने वाला है आज, ऑर्डर आने वाला है खाने के लिए। गाइस, हम आगरा में आके वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिए, अब आप पूछोगे किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे। तो गाइस, ये हमारे टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके बारे में हमारे एक छोटे से एक कलाकार आपके बताएंगे, वो है गणेश। किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आगरा के अंदर जाके, आगरा के अंदर ना गए, ताजमहल के अंदर गए नहीं, और सिर्फ फोटो खिंचवा के हमने 3 घंटे लगाए। गाइस, ये बोलना चाहते हैं हम सब ताजमहल में गए, 3 घंटे बितवाए पूरे अच्छे से, पर ताजमहल के अंदर ऊपर नहीं जा पाए। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है हमें, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, फाइट करेंगे। गाइस, हम पहुंच गए अपनी सेकंड लोकेशन में जो है फतेहपुर। अब फतेहपुर की आपको दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ के चीजें हैं देखने के लायक, आप सब बने रहिए हम लोगों के साथ, एक एक करके सबको दिखाएंगे। ये हमारे साथ मयंक एंड रवि सर। सर, हम कहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं? फतेहपुर सिकरी। सिकरी में आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। अरे, हमने जो रेड बुल पी थी जिसने हमें विंग्स दिए थे, उस बेचारे का छोटा सा अंश। गाइस, रेड बुल पी के एनर्जी आ गई हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हम सब ना टायर्ड हो गए थे बहुत ज्यादा, और 10 मिनट सोने के बाद हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। तो गाइस, इसलिए आफ्टरनून में नैप लेनी चाहिए आप सबको, 10 से 15 मिनट की नैप आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आजकल की लड़कियां कितना नाच होती है, वो पहला कलमा नाते इंग्लिश में बात करती है, चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, वो दीदी तो लाखों में हीरा।
हमारी एंट्री हो गई है फतेह सिकरी में, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या होने वाला। सबसे पहले जो बादशाह थे यहाँ बाबर आए थे, बाबर के बाद बादशाह हुमायूं थे, तीसरे मुगल बादशाह अकबर। अकबर की कोई औलाद नहीं थी, अकबर औलाद के खातिर फतेहपुर सीकरी आए। अकबर की तीन रानियाँ थी, दे गॉट डिफरेंट रिलीजन फाइव, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। गाइस हमारी फतेहपुर सीकरी का भी कंप्लीट हो गया, दर्शन वर्शन सब कंप्लीट हो गए, अब हम सब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स घर जाने से पहले आपको कुछ बातें और बता दो यार, जब भी आप घूमने आओ अपने दोस्तों के साथ आना, अपने फैमिली के साथ आना, जब भी ट्रिप का असली मजा है। अगर आप अकेले आते हो ना तो गाइस आप ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं कर पाओगे, आपके साथ में दो तीन जने चाहिए। जानते हैं हमारा एक्सपीरियंस हमारे टूर में कैसा रहा है, आग लगा दी टूर में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना अच्छा एक हमारे गाइड मिले थे जिसने शायरी में शायरी मार के हमें बहुत मन हमारा बहुत अच्छा करा। बिल्कुल सही बोला, इनने तो आग लगा दी। अब मैं क्या बोलूं, बोलिए रवीना जी। इतना पर सबसे अच्छा मुझे बुलंद दरवाजा लगा। जय बाबा की। ओके, हमारी टीम है बहुत सारी एंड हम एक्सपीरियंस पूछते हैं अब भूमिका से। भूमिका क्या एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग बेस्ट ट्रिप। अब पूछते हैं अदर टीममेट से, सर होगा एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत ही बढ़िया रहा, आगरा का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। बस बच्चों से पूछना किस तरीके से लगा उनको। राइट सर, ठीक है। मुकेश चंदिया एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम मैंने आगरा में ताजमहल को देखा। ओके, जो मेरा सपना था कि कम से कम एक बार सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में देखो। आज वो पूरा हो गया है। दीक्षा एक्सपीरियंस गाइस, अगर आप रात में घूम रहे हो कहीं आगरा और आपने गोलगप्पे नहीं खाए तो आज का दिन वो सफल नहीं हो सकता। तो हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, हमारी पूरी टीम के साथ गोलगप्पे खाते हैं विद द पांच डिफरेंट फ्लेवर्स। देखते हैं लड़कियों का क्या टेस्ट होता है, इनको कौन सा फ्लेवर पसंद होता है एंड बॉयज को कौन सा पसंद होता है ऑल्सो, सबका देखा जाएगा। हमारे सब इक्वल ही है, सब इक्वल है, सब बराबर है, इक्वालिटी रखते हैं हम, सब बराबर। बिल्कुल, देखते हैं यार क्या मजा आता है। गाइस हम सब रेडी हो गए अपने अपने डोंगे के साथ, दिखाते कितने जने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाइस टोटल 11-12 मेंबर्स हम सब, एक स्टार्ट हो गया। भैया नाम क्या है? बर्मू। ओके, और कौन कौन से फ्लेवर के भैया गोलगप्पे? जीरा, लहसुन। ओके गाइस, जैसे कि भैया ने हमें बताया हमारे पांच डिफरेंट टाइप्स के पानी पूरी है हमारे पास। हम बताएंगे सुबह जब फ्रेश होएंगे, जब सुबह सब बताएंगे कौन सा किसने ज्यादा खाया, किसको असर किया। हमारा सब्जी ट्राई करते हुए एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन गाइस, जब आप पांच डिफरेंट टाइप के गोलगप्पे खाओगे तो आप सोचोगे जो नेक्स्ट गोलगप्पे आने वाला है ना उसका क्या टेस्ट होगा, कुछ अलग होगा, कैसा होने वाला है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ऐसे क्वेश्चन हमारे सब फ्रेंड्स में आ रहे, सब टीममेट्स में आ रहे, ये अगला गोलगप्पा कौन सा होगा है ना भाई? वो वोट दे रहे हैं भाई, हमने इतने सारे टेस्ट कर लिए डिफरेंट टाइप्स के पानी, अब देखते हैं इनमें से हमारी टीम को कौन सा अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हो आपको कौन सा भी अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट पूछते हैं हम आलोक से, आलोक कौन सा अच्छा लगा आपको? लहसुन वाला अच्छा लगा, लेकिन मैंने हाजमा किया। आलोक को अच्छा लगा है लहसुन वाला, एंड जो सेकंड है हाजमा। ओके, लहसुन एंड हाजमा, हाजमा 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 बनिया पुदीना पुदीना। गाइस मेरे को जो पसंद है वो है नंबर फर्स्ट वाला, वो है जीरा। आई थिंक
तो नेक्स्ट मुकेश हाजमा गाइस देखो ये हाजमा है देखा हाजमा लोग इसके लिए दीवाने हो रहे हैं जीरा एंड हाजमा सर ने बोला है जीरा जीरा हाजमा सर एक बताओ सर एक ना ना जी हाजमा लसन बहुत गलती कर दी लसन ने हाजमा में राज कर गया भाई भावना जीरा दो वोट मैं आपको बताता हूँ गाइस मैं आपको बताता हूँ हाजमा क्यों बोल रहा है आज इन सबका पेट खराब है ये ठीक करने के लिए हाजमा बोल रहे गाइस इन्होंने दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया बहुत उल्टा सीधा खा लिया है तो इनको हाजमे की बहुत जरूरत है तेरे नाम करा दूं जो कोई देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं जी भर के नाच ले बेबी शाम पे आके शावर में यार तेरे का फैमिली स्टार बैठा है जो पावर में ये क्या चल गया सबको ले हम सब जो साथ में रहे खुशियाँ सब हाथ में रहे हमसे बस फासले रहे यू हर दुरुत दुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिल के एक दूजे से कहें यू हम सब जो साथ में रहे खुशियाँ सब हाथ में रहे हमसे बस फासले रहे यू हर दुरुत दुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिल के एक दूजे से कहें यू ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें आँखों से इस ट्रिप का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे रवि सर के लिए सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल ट्रिप एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल टू यू सर